अमित को एक घंटे में होश आ जाएगा और वो हमारी कस्टडी में रहेगा. आई नो. अजीत और चंद्रिका कैसे? नॉट गुड. वी नीड टू फाइंड द एंटीडोट फास्ट. वी ट्राइंग आवर बेस्ट कार्ला. ऑल द बेस्ट. डॉक्टर कार्ला, आई डिड अ बिग मिस्टेक. क्या हुआ अंजलि? काम डाउन. टेबल से मैं अमित की रिपोर्ट हटाना भूल गई. डॉक्टर अबोध ने उसे देख लिया. ही इज वेरी एंग्री. इसका मतलब है कि अगर मैं ये रिपोर्ट नहीं पढ़ता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वो बच्चा अमित अपनी डेथ से पहले 60% रिकवर हो चुका था. डॉक्टर अबोध, इट वाज अ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन. आई वाज जस्ट डूइंग माय जॉब. टू हेल विद योर जॉब. अगर तुमने मुझे बताया होता कि वो बच्चा रिकवरी मोड पे है तो मैं सारे टेस्ट उस पर करता, देखता कि वो 60% रिकवर कैसे हो चुका है. 24 घंटे, 24 आवर्स इन डिफरेंट लेबोरेटरीज द साइंटिस्ट्स आर वर्किंग कि इस वायरस का वो एंटीडोट ढूंढ सके. एंड यू हैव डन सच अ ब्लंडर. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, सर ऐसी सिचुएशन में मुझे जो टेस्ट करने चाहिए थे वो मैंने सब किए. इनफ इनफ कार्ला. And from now on, अभी और इसी वक्त से तुम इस लेबोरेटरी के इंचार्ज नहीं हो. इस लेबोरेटरी के इंचार्ज डॉक्टर दास है, ओके? And you, as a city officer, you can remain in the premise. But this laboratory is out of reach for you. Is that clear? Yes, sir. You may leave now. अंजलि, अमित की सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर दास को दे देना. ओके मैम. पता नहीं मुझे इस बार फिकर हो रही है. रात को बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सबसे पहला फोन तुमको ही करूंगा. अब्दुल्ला, क्या सोचा है? हमारे साथ चलोगे या यहीं रहोगे अपनी मम्मी के साथ? मैं आपके साथ चलूंगा अब्बू. शाबाश, चलता हूँ. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. आज से तुम्हारा सफर शुरू होता है अब्दुल्ला. तुम्हारे चेहरे को नकाब में देना बहुत जरूरी है. अस्सलाम वालेकुम हाफिजुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. गर्मी तेजी से बढ़ रही है. इंटरनेशनल एजेंसीज को यह शक हो रहा है कि मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है वो एक टेररिस्ट अटैक है. सियासी प्रेशर भी बढ़ रहा है. शायद यूएन अपनी एक टीम पीओके इंस्पेक्शन के लिए भेजे. आप फिक्र क्यों कर रहे हैं जनाब? हम घाटी से बस निकल ही रहे हैं. आप यूएन वालों को खुद दावा देकर पीओके में बुलाएं और इत्मीनान से गाइडेड टूर करवाएं. उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. बस एलओसी पर अगर आप अपना कर्म फरमा दें तो हमें यहाँ से निकलने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह. पर एक बात का ध्यान रखना हाफिजुल्लाह कि जो डील तुम हिंदुस्तान के साथ करने जा रहे हो वो पीओके के आसपास नहीं होनी चाहिए. गलती से भी इसके छींटे हमारे मुल्क या पीओके की सरजमीन पर नहीं पड़ने चाहिए. आप बेफिक्र रहिए कमांडर हाफिजुल्लाह, अपने वादे का पक्का है. डेल हिंदुस्तान की सीमा के अंदर ही होगी. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. इबोला से मरने वालों की संख्या अब 3,153 के पार हो चुकी है. अस्पतालों में चलने फिरने की जगहों पर भी पेशेंट्स को लिटाया गया है. बैंड्रा ईस्ट के मेडिकल कैंप का भी यही हाल है. और इस बीच एक बड़ी सूचना ये है कि ब्रिटेन और अमेरिका से दो डॉक्टर्स की टीम मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है.
और भी कई देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, देखते रहिए। सर मेरी अभी अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात हुई है, हाई कमांड ने जनहित में हाफिजुल्ला के दोनों शर्तों को मानने का फैसला किया है। सर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्रिप्टो करेंसी का अरेंजमेंट कर रही है। कैप्टन रावल, सर मैं चाहता हूं कि इस केस में सूटी के साथ तुम भी काम करो। सो यू आर नॉट एन ऑब्जर्वर एनी मोर। गॉट इट सर। जैन सर। जैन अकाउंट है। गाइस, मेरी अभी भी दिल्ली में बात हुई है। हाई कमांड ने हफीजुल्ला की दोनों डिमांड्स पूरी करने का फैसला लिया है। मेरे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि इस डील को हैंडल करते समय हम बिल्कुल भी एग्रेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन हजारों इन्फेक्टेड लोगों के बारे में सोचेंगे। हाय गाइस, तुम यहां कैसे? एवरीथिंग ऑलराइट? डॉक्टर अबोध चैटर्जी ने मुझे लैब से सैक कर दिया। सैक कर दिया मतलब? गाइस, अभी-अभी जेल सुपरिटेंडेंट का फोन आया था कि शालिनी कौरा आज रात अपने हस्बैंड रोहित कौरा से मिलने जेल जाने वाली है। हाँ, अपने हस्बैंड को अपने बेटे की मौत के बारे में खबर देने जा रही होगी। वैसे भी अगर ये इबोला से नहीं मरता तो जेल में सड़ कर मरता। हबीब, यहाँ से बॉर्डर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जरा बेहतर यही होगा कि पहले आगे इलाके का मुआयना कर लिया जाए। आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आ रहा हूँ। मैं आपका ही वेट कर रहा था। आज मिस्टर कोरा के रूम में मटका रखवा दिया है। बस 10-15 दिन और जाने दीजिए, और भी फैसिलिटीज कर दूंगा। खोलो। फोन पर कहा था दी एंटीडोट इज वर्किंग। खुद समझ नहीं आ रहा, मुझे खुश था उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पेन किलर्स खा रहा था उसकी वजह से। ये लेफ्ट दे लाइंग शालिनी, वो झूठ बोल रहे हैं। आई कैन फील इट। नो,
is gone. Hamid? एक बार मुझे बाहर निकलने दो शालिनी। राजीव भाटिया और अपो चटर्जी बेफुदस। डॉक्टर आप बहुत। I can't believe this। और मैं गिल्टी फील कर रही थी कि मैंने अमित की रिकवरी की बात उनसे छुपाई। Guys, this is the breakthrough that we've been waiting for. Ravina, मुझे डॉक्टर अबू चटर्जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री चाहिए। अगर उसने बचपन में किसी बच्चे की कैंडी भी छीनी हो तो आई वांट टू नो अबाउट इट। On it. It's amazing, man. एक आदमी इतने सालों तक इतनी बड़ी पोजीशन पर रहकर डबल लाइफ जी रहा है और किसी को पता भी नहीं चला। Indeed, it's amazing. अच्छा गाइस, जो भाटिया नाम का आदमी जिसको हम सर्च कर रहे हैं उसका पहला नाम राजीव है, राजीव भाटिया। सर्च करें। रवीना, तुम मदन और बशीर के साथ मेरी बिल्डिंग के कार पार्क में डिजी बस में वेट करो। मैं पार्कर के लिए अपनी रूटीन खत्म करके तुम्हें डिजी बस में मिलता हूँ। एंड देन आई वांट रिजल्ट्स। डॉक्टर अबू चटर्जी के फोन को ट्रैकिंग पे लगाओ और उसकी मूवमेंट्स चेक करो। चलो गाइस, पार्कर को सीन का फिनाले सुनाते हैं। सैमसन की बॉडी के पास 6 मोबाइल फोन्स मिले थे। स्लो डाउन श्रीकांत, मैं ट्रांसलेट भी कर रही हूँ और टाइप भी कर रही हूँ। यू आर स्लोइंग डाउन रवीना, यू लॉस्ट टच। एक्सक्यूज मी, कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो? कहाँ? कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर? सीरियसली, यू आर आस्किंग मी? अच्छा ठीक है, रिपोर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, कल खत्म करते हैं। लेट्स कॉल इट अ नाइट। व्हाटएवर यू से चीफ। All right. Guys, good that you're here. अच्छा सुनो, अब हमारा फोकस सिर्फ एंटीडोट की डिलीवरी होगा। कल किसी भी वक्त पार्कर का फोन आ सकता है। Yeah? Good night, guys. Let's go. हम बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ मिलिट्री की एक छोटी टुकड़ी गश्त कर रही है। इंतजार करो हाफिजुल्ला, रास्ता खुल जाएगा। शाहिद सर, ऑपरेशन शुरू करो। Some good news, guys. We have excellent news, Shrikant. Rajiv Bhatia ki identification mil chuki hai. He's a very shady international contractor, jiska kaam hai chori kiye hue patents ki dawaiyon ko manufacture karna. In fact, Dr. Abo Chatterjee ki bhi uske saath link mili.
सात साल पहले अबोध चैटर्जी ने इसके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रेड करवाई थी और तब से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। राजीव भाटी का फोन नंबर मिला? उसके अपने नाम पर कोई नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। और डॉक्टर अबोध चैटर्जी? वो जो ब्रिटिश और अमेरिकन डॉक्टर्स की टीम आई है उनके साथ है। मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर अबोध को अंदर करते हैं और उसे अच्छी तरह तोड़ते हैं। नहीं मदन, कोई भी कदम उठाने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। Thousands of lives at stake here. अरे पहले डॉक्टर अबोध की सारी डिटेल्स सुन लो यार। डॉक्टर अबोध चैटर्जी का जब मैंने बैकग्राउंड चेक किया तब पता चला कि उसकी किसी भी फार्मा कंपनी में होल्डिंग नहीं है। तो फिर मैंने उनकी वाइफ डॉक्टर सोनाली चैटर्जी का बैकग्राउंड चेक किया, वो भी क्लीन है। और हमें झटका तब लगता है जब हम उन कंपनीज की डिटेल निकालते हैं जिनको ICDC ने अपॉइंट किया है एंटीडोट ढूंढने के लिए। और उस लिस्ट में एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी, एक बहुत छोटी सी फार्मा कंपनी है जिसका नाम है शलाका फार्मा। राइट अभिना? एग्जैक्टली। और उसकी प्रोप्राइटर है डॉक्टर सोनाली रॉय। सोनाली रॉय, सोनाली चटर्जी का मेडन नेम है। एग्जैक्टली। अब पूरी पिक्चर सामने आ गई। पार्कर काम कमांडर के लिए करता है लेकिन उसने एंटीडोट की साइड डील डॉक्टर अबोध चटर्जी के साथ की। डॉक्टर अबोध चटर्जी ने राजीव भाटिया को इस डील का कॉन्ट्रैक्टर यानी कि फ्रंट बनाया। अब जैसे ही हमारी कमांडर के साथ एंटीडोट की डील हो जाएगी उसके पहले डॉक्टर अबोध चटर्जी ये डिक्लेयर कर देगा कि शलाका फार्मा की R&D लैब ने एंटीडोट को डिस्कवर कर लिया है। और ऑटोमेटिकली एंटीडोट का जो पेटेंट है वो डॉक्टर अबोध चटर्जी की वाइफ, इन अदर वर्ड्स डॉक्टर अबोध चटर्जी के नाम पर हो जाएगा। डॉक्टर अबोध ने शालिनी कौरा को उसके बेटे को बचाने के लिए एंटीडोट क्यों दिया? Exactly, क्योंकि इस डील में पैसे तो वो ऑलरेडी बहुत सारे कमा रहा था, लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो उसने ये क्यों किया हमें नहीं पता। गाइस वन सेकंड, शाला ने मेन ऑफिस से कुछ पोस्ट किया है। ओके, तो ये जो सारे नंबर्स है जो रेड से मार्क्ड है ये वो नंबर है जिससे अबोध चैटर्जी की सबसे ज्यादा बातचीत हुई है। इनफैक्ट हमने जब से उसका नंबर ट्रैकिंग पर डाला है उसके 10 मिनट पहले तक इस नंबर से सबसे ज्यादा बात हुई थी। जब जब डॉक्टर अबोध चटर्जी की इस नंबर से बात हुई है तब उसके लोकेशंस क्या थे वो चेक करो। सर, आपने तो बशीर खान के लिए चारा डाला था, फिर ये मदन कैसे फंस गया? लालच का दाना वो चुगता है मंजीत जिसमें एम्बिशन होता है। बशीर और श्रीकांत के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, पर ये मदन, ये श्रीकांत, उसके आंखों और बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। And don't forget, Manjit, I have a PhD in profiling people. इस एक लोकेशन से 27 बार कॉल जा चुका है। हाँ, नायगांव की इस लोकेशन से दो नंबर्स के बीच में 27 बार बातचीत हुई है। Guys, बहुत ही odd times में पिछले 10 दिनों में दो नंबर्स के बीच यानी कि डॉक्टर अबोध चैटर्जी और मिस्टर फेसलेस ये दोनों एक लोकेशन पर काफी टाइम तक साथ में थे। इनके एग्जैक्ट लोकेशन क्या? नायगांव ईस्ट। लोकेशन के कोऑर्डिनेट सैटेलाइट नेटवर्क को फीड करो। आई वांट टू सी योर रियल टाइम इमेज। ये सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में ऑटोमेटिक राइफल कैसे गई? बहुत बड़ा गेम करने वाले हैं लोग। Guys, we have it. Let's not waste time, guys. मदन, मुझे तुम्हारे 50 ऑपरेटिव्स एक घंटे के अंदर इस बिल्डिंग के आसपास चाहिए और उनसे कहना कि शैडो में रहे। Done. It's a surgical strike team. Let's move.
साहब ने अपना काम कर दिया। ऑफिसर, अपनी टुकड़ी को लेके पोस्ट 55 की ओर बढ़ो। वहाँ पे घुसपैठियों को बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखा गया है और शेलिंग भी शुरू हो गई है। नीड एडिशनल फोर्स अर्जेंटली। कॉपी दैट। पोस्ट 55 पर बुलाए, वहाँ शेलिंग हो रही है। चलो, रास्ता साफ है। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम ही काशिफ खान हो? हाँ जनाब, ये मेरा भाई रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तक बस आपका नाम सुना था जनाब, अब आपके काम में शरीक होने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने का जिम्मा हमारा है जनाब। आइए। अब्दुल्ला, कैमरा 3 ईस्ट साइड की विंडो को कवर करो। ओके मैम, कॉपी। गट फीलिंग थी कि राजीव भाटिया यहीं पर होगा। शुड वी जस्ट अरेस्ट हिम? नहीं रोगिना, हमें छोटी मोटी बैटल्स नहीं, वॉर जीतनी है। आई हैव अ प्लान। करता हूँ, रखो, हाँ करता हूँ। हाफिज भाई, पुलिस वाला आ रहा है। हाँ भाई। हाँ साहब। कागज दिखा। हाँ साहब। अरे टैंकर में क्या है, टैंकर में दिखाना, पीछे क्या है? कुछ नहीं है सब, खाली है साहब। जब तक गन कुछ नहीं है तो नीचे उतर के दिखा भाई।
हाँ सर। पूरा दिन नहीं है मेरे पास, नीचे उतर चल। बोला ना साहब कुछ नहीं है। तो भाई चेकिंग कराना, चेक कर यार। रशीद। हाँ भाई। खोल। अरे सब पानी अंदर से। अच्छा खोल। अरे सब कुछ नहीं, सब खाली है। पांडे अच्छे से देख। साहब कुछ नहीं है। बोला था ना खाली है। निकलो यहां से। हाँ साहब। चलो चलो चलो। हाँ बोल भाई शर्मा। हाँ सिंह साहब, आपका काम कर दिया, निकाल दिया आपकी गाड़ी को। गुड जॉब शर्मा, और कल सवेरे तेरा पैकेट पहुंच जाएगा। ठीक है। थैंक यू साहब। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.